हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आपको पुरानी बैंगल से सिल्क थ्रेड ब्रेसलेट बनाना सिखा रही हूँ, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग है। सबसे पहले हमें कोई भी एक कार्डबोर्ड ले लेना है और उस पर अपने सिल्क थ्रेड को रोल करते जाना है। कम से कम 20 टाइम्स रोल करना है। क्योंकि मेरे पास मोटा सा कड़ा था तो मैंने वो ले लिया। अगर आपके पास मोटा सा कड़ा ना हो तो आप 4-5 बैंगल्स को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने रोल कर लिया था और अब मैं इसे काट कर आपको दिखाती हूँ। सिल्क थ्रेड सारे एक साथ आ जाएंगे। इसे फिर बैंगल में रोल कर देना है। बैंगल आराम से फैब्रिक ग्लू से स्टिक हो जाती हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने फैब्रिक ग्लू लगाया है। हम जब भी सिल्क थ्रेड या क्लोथ के साथ काम करते हैं तो हमें हमेशा फैब्रिक ग्लू ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो सूखने के बाद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ये देखिए, मैंने पूरी चूड़ी को ये मल्टी कलर सिल्क थ्रेड से रोल कर लिया था। अब मैं ब्लू कलर का सिल्क थ्रेड ले रही हूँ। इससे मैं लटकन टैंगल बनाऊँगी। ये देखिए, ये आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग है और ये बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, इसे बस बीच में लाकर टाई अप कर देना है। बाद में हम इसे नीचे कर देंगे। टाई करने के लिए मैं मल्टी कलर थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। मैं बहुत सारे कलर्स इसमें यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि एक तो मेरा बेस भी मल्टी कलर्ड है और दूसरा ज़्यादा कलर्स लगाने से ये कॉमन हो जाएगा, किसी भी एक ड्रेस के साथ पर्टिकुलर नहीं रहेगा। जीन्स के साथ ये बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसे सलवार सूट या गाउन्स के साथ भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने चारों तरफ अलग अलग कलर के टैंगल्स बनाए हैं। अब इसे इस तरह नीचे कर देना है। ये देखिए, ये कितना प्रिटी लग रहा है अभी से, जबकि अभी इसकी पूरी फिनिशिंग भी नहीं हुई है। कितना वाइब्रेंट है। ये देखिए, मैंने इसे नीचे कर दिया। अब हम इसे थोड़ा डेकोरेट कर देंगे। मैंने इसमें पर्ल्स का काम किया है। पर्ल्स का काम बहुत सुंदर लगता है। आप सिंपल कपड़ों के साथ भी इसे पहनोगे तो भी आपका लुक बहुत अच्छा आएगा। ये आपके हैंड्स को एक नया लुक देगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर जहाँ पर टैंगल मैंने बांधा था वहीं पर मैंने पर्ल लगाया है। चारों तरफ लगाऊंगी। बस पर्ल को ऐसे लगाना है कि थ्रेड जो है वो नीचे से दिखाई ना दे। पर्ल लगाने के लिए आप नॉर्मल थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सिल्क थ्रेड बहुत ही पतला होता है और वो टूट जाएगा। ये देखिए, अब मैंने ऊपर की तरफ जहाँ पे मैंने टैंगल लगाया है वहाँ पर भी मैं पर्ल लगाऊंगी और उसके बीच बीच में भी एक पर्ल लगाऊंगी। अभी देखिएगा आप। ये देखिए, एक पर्ल यहाँ लगाया है, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ पर्ल्स दिखेंगी आपको। दोनों साइड में एक पर्ल यहाँ लगाया है और एक पल बीच में लगाऊंगी। ये देखिए, और एक पल फिर से टैंगल के ऊपर। इसी तरह पूरा कंप्लीट कर लेना है। और नीचे की तरफ भी देखिए, मैंने पूरे में टैंगल्स के बीच बीच में भी एक एक पल लगा दिया। ये देखिए, ऊपर पूरा पल लगा हुआ है और इसी तरह नीचे में भी पूरा पल लगा हुआ है और मेरा ब्रेसलेट कम्प्लीट हो गया। ये बहुत ही सिंपल है मेकिंग में, लेकिन ये पहन के बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए, मेरे हैंड्स कितने सुंदर लग रहे हैं ये पहन के। जीन्स के साथ, सूट के साथ, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए बहुत प्यारा है ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए।